हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयाग भाई पाटिल कॉलेज के चैनल पे। हम स्वागत करते हैं आपका। तो आज के लेक्चर में हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटीन्स इस पार्ट को देखा था, और प्रोटीन्स के अंदर में हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा था, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, देखा था कि सिक्वेंस जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स का, तो वो लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, तो उसके अंदर में हमने थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट देखी थी, जिसके अंदर में लोकलाइज्ड रीजन होते हैं प्रोटीन चेन के, जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं, जिसके अंदर में क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की, और एक अमाइड बॉन्ड है ना लिंकेज, और दूसरा एक बॉन्ड होता है जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, जो कि ये दोनों मिलके क्या करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, जिसके अंदर में हम एग्जांपल देख रहे थे हेलिक्स का, है ना, अल्फा हेलिक्स एंड बेटा प्लीटेड शीट का। तो ये दो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, है ना, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट का। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर मैं आपको आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको सामने नजर आ रहा है, तो ये होगा स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स, जिसके अंदर में अगर से आप कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है अमाइड ग्रुप, फिर उसके बाद में है ना यहाँ पे अगर से देखें तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नजर आ रहा है, और वही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनएच के साथ में इंटरकनेक्ट है ना, एनएच के साथ इंटरकनेक्ट है। तो फिगर को वैसे ही आपको देखना है, मतलब फिर से अगर से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो फिर से आपको कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आएगी, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ में क्या रहेगा बॉन्ड रहेगा, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, इंटरकनेक्टेड हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्फा हेलिक्स। दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कौन सा बोल सकते हैं हम लोग प्रोटीन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल जो कि अल्फा हेलिक्स होगा। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स क्या करता है बच्चों कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। तो ये स्ट्रक्चर को हम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर में हम देख सकते हैं कि सीओ ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड है ना इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू एनएच ग्रुप ऑफ फोर्थ अमाइनो एसिड अलोंग द चेन, है ना, फोर्थ में फोर्थ एनएच बॉन्ड को क्या होगा अटैच होता जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ है ना, है क्या पैरेलल है एक दूसरे को, ठीक है, पैरेलल है ना, फोर्थ अमाइनो एसिड को क्या रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ हेलिक्स व्हाइल आर ग्रुप एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स, है ना, आर ग्रुप आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चर के बाहर नजर आ रहे हैं, ये देखिए, है ना, स्ट्रक्चर के बाहर नजर आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं हर जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, है ना, आउटर साइड में, है ना, हेलिक्स का जो कोर है उसके बाहर साइड में नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है ना हेलिक्स का, ओके, राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज स्पाइरल, है ना, राइट हैंडेड मतलब कैसे राइट हैंडेड, क्लॉकवाइज या राइट हैंडेड कैसे बोल सकते हैं, ऐसे जैसे क्लॉक जैसे घूमती है ना, यहां तक आएंगे फिर से यहां जाएंगे फिर से यहां आ जाएंगे, है ना, इसको क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, मतलब ये डायरेक्शन में क्या हो रहा है वो घूम रहा है ऐसे, ये ऐसे, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज किसको बोलेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, वो ऐसे घूमना चाहिए, कैसे, ये साइड से ऐसे, ठीक है ना, ये राइट हैंडेड है मतलब राइट से हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, है ना, यहां से राइट से फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे फिर राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर होगा हेलिक्स का, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर अगर से ध्यान से देखें तो यहां पे आपको बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर नजर आएगा, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है,
है ना। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर या बीटा प्लीटेड शीट जो होती है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है कॉल्ड बीटा प्लीटेड शीट, जिसके अंदर में टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिनको स्ट्रैंड्स या लाइन अप साइड बाय साइड भी कहा जाता है, है ना। स्ट्रैंड्स हैं, है ना, एक दूसरे से, देखो यहाँ पे, है ना, स्ट्रैंड्स, या तो इसको लाइन अप साइड बाय साइड बोल सकते हैं, मतलब ये एक लाइन हो गई, उसके साइड में एक लाइन रहेगी, फिर उसके साइड में नीचे एक रहेगी, फिर उसके ऊपर भी रहेगी, तो ये लाइन अप साइड बाय साइड बोलेंगे इसको, ठीक है। जिसके अंदर में अगर से देखें तो एक्सटेंडेड फॉर्म नजर आ रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन का, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे अगर से आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है ऑक्सीजन के साथ, फिर से देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर से देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। CO ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जो रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये ऐसे दिख रहा है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर होगा बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, है ना, जिसके अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें नजर आएगी, ये वाली, ये है ना। तो ऐसे ही कंटिन्यूस ये चेन चलती रहेगी, है ना। तो इसको बोल सकते हैं, है ना, ये एक ही प्लेन में रहेंगे बच्चों, है ना, दे आर इन द सेम प्लेन। जैसे अल्फा हेलिक्स में क्या था कि वो एक प्लेन में नहीं थे, जिसके अंदर में आर ग्रुप क्या था, आउटसाइड में, आउटवर्ड में चला गया, है ना, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं आपको, एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं, और अल्फा हेलिक्स में पैरेलल थे, है ना, ठीक है, ठीक है। जैसे आर ग्रुप यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, आर ओरिएंटेड अबव एंड बिलो ऑफ द शीट, है ना। अबव एंड बिलो मतलब कैसे, जैसे मान लो ये अबव अगर से माने तो इसको बिलो बोल सकते हैं, है ना, बिलो बोल सकते हैं, ठीक है। अगर से इसको अगर अबव बोलें तो ये बिलो होगा, है ना, ये अबव ये बिलो। तो यहाँ पे आर ग्रुप जो है ओरिएंटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द शीट, है ना। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, बीटा प्लेटेड शीट अरेंजमेंट इज फेवर्ड बाय अमाइनो एसिड विथ स्मॉल आर ग्रुप्स, है ना, जिसके अंदर में जो आर ग्रुप्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, स्मॉल रहेंगे और वो अमाइनो एसिड्स के फेवर में रहेंगे, ठीक है, आर ग्रुप्स, ओके, चलिए, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि स्ट्रक्चरली हमने क्या किया कि उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके सामने मैंने रख दिए। अब आगे देखेंगे हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, है ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स मतलब क्या रहेंगे, द थ्री डायमेंशनल शेप एडॉप्टेड बाय एंटायर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन, है ना। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या रहेगा कि उनका शेप कैसा रहेगा, थ्री डायमेंशनल, है ना, जो कि एडॉप्ट करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन को, है ना, इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या नजर आएगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न नजर आएगा, है ना, जिसके अंदर में हम लोग देखें तो ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स, है ना, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट इन टू मेजर मोलिकुलर शेप्स, है ना, जिससे हमें टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे हमने पहले भी प्रोटीन्स को डिवाइड किया था ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स, है ना, जो कि दो मेजर मोलिकुलर शेप होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। अगरचे उसको अगरचे देखें हम लोग तो उसके अंदर में हमें नजर आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होते हैं या बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कैसे होगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा या लैंडन डिस्पर्शन फोर्स होंगे, तो ये सारी चीजें नजर आएंगी आपको। तो हम देखते हैं पर्टिकुलर अगरचे टर्शियरी स्ट्रक्चर अगरचे देखें, है ना, तो उसके अंदर में क्या क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, है ना, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कब होगा, जब पोलर बॉन्ड्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब क्या रहेगा, जिसके अंदर में पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस अगर से होंगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोल सकते हैं, मतलब दो आयनिक ग्रुप्स होंगे, जैसे सिंगल बॉन्ड CO- एंड NH3+,
है ना। और दूसरा क्या नजर आएगा, लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस नजर आएंगे, जैसे लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, है ना। तो फाइनली अगर से देखें तो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ SH ग्रुप्स, है ना, ठीक है, जो कि कैसे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या करेंगे उसको स्टेबिलाइज करेंगे, ठीक है। तो दिस वन इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर, और यहां पे आप उस स्ट्रक्चर को क्लियरली देख भी सकते हो क्लियरली, ठीक है। ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर आपको फिगर में नजर आ रहा है ना। फिर उसके बाद लैंडन डिस्पर्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी नजर आएगा आपको, है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड SH जिसको कह सकते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर साइड बाय साइड क्या रहेंगे, जॉइंट रहेंगे, है ना। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन्स का, जैसे हमने प्रोटीन्स को दो टाइप में क्या किया था, डिवाइड किया था, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये था टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या होगा कि जहां पे दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होंगी, एक दूसरे से फोल्ड होंगी, है ना, तो वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, है ना। वेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड विद ईच अदर देन देर इज अ स्ट्रक्चर, है ना, फॉर्म्ड कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, है ना, जिसको हम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, है ना। तो इसका जो शेप होगा तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो इसके अंदर में जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ओवरऑल एक प्रोटीन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर में फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि हेमोग्लोबिन क्या होता है, फोर सब यूनिट से बना हुआ होता है ना, फोर सब यूनिट्स जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, मतलब हेल्ड टूगेदर बाय इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना, इन कॉम्पैक्ट 3D स्ट्रक्चर, है ना, 3D शेप में उसको क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, 3D स्ट्रक्चर में बाइंड करके रखते हैं बच्चों, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर में बाइंड करके रखते हैं। तो उसके अंदर में 3D स्ट्रक्चर में हम अगर से देखें तो हेमोग्लोबिन, है ना, क्या करता है कि उसका फंक्शनिंग होता है, मतलब काम होता है कि ऑक्सीजन को क्या करे, वो ट्रांसपोर्ट करे, ऑक्सीजन क्या करना है, हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर करना, जैसे हम ब्लड के अंदर में हेमोग्लोबिन का वर्कआउट क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है, सभी चार सब यूनिट को सप्लाई करता है ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन का काम होता है वो, ठीक है। तो वो जो चार सब यूनिट्स होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, फोर सब यूनिट्स ऑफ हेमोग्लोबिन, तो वो कौन से होते हैं, एक तो रहेगा हमारा अल्फा अमाइनो एसिड, है ना, क्या रहेगा, अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। सीक्वेंस होता है अल्फा अमाइनो एसिड का जो कि आपको फिगर में नजर आ रहा है। फिर उसके बाद में सेकंड देखा हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं, है ना, और बीटा प्लेटेड शीट के साथ साथ क्या होता है, अल्फा हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आएंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, तो जब वो इंटरकनेक्ट हो जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर बनेगा टर्शियरी स्ट्रक्चर, है ना, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ये दोनों अगर मिक्स हो जाए सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ तो टर्शियरी स्ट्रक्चर देंगे प्रोटीन का, जिसमें बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। अब अगर आगे देखें तो हमें नजर आता है कि फोर्थ जो सब यूनिट होगा तो वो होगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जिसके अंदर में मल्टीपल यूनिट्स होंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे मल्टीपल, है ना, दो या दो से ज्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएंगे तो वो बनेगा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, है ना, या तो मल्टीपल यूनिट्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ये फोर लेवल्स हो गए प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के, दीज आर द फोर यूनिट्स ऑफ इन फोर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, दैट इज प्राइमरी, देन सेकंड वन, प्राइमरी इंक्लूड्स अल्फा अमीनो एसिड्स, सेकेंडरी विच हैव बीटा प्लेटेड शीट एंड अल्फा हेलिक्स,
Together, they form a tertiary structure in which they are combined with each other. यदि एक दूसरे से combine हो जाएंगे तो ये tertiary structure बनेगा. जब ऐसे ही tertiary structure के दो या दो से ज्यादा units एक दूसरे से interconnect हो जाएंगे तो वो बनेगा quaternary structure of protein बोलेंगे उसको. क्या बोलेंगे? Quaternary structure of protein बोलेंगे.